सर मैं करीब डिजाइन इसके से पानी प्राइवेट आईटी आई कटिया कोटा आज हम लोग पढ़ेंगे इंजीनियरिंग के बारे में। इंजीनियरिंग जो है इंजीनियरिंग जो बेरिंग करता है इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जब इंजन में हम कनेक्टिंग रोड लगाते हैं तो उसमें दो तरह के बेरिंग हम लोग लगाते हैं, उसमें दो तरह का चुना होता है, दो तरह के चुने पे दो तरह का बेरिंग होता है। पहला होता है बिगिन बेरिंग, यह चुना कनेक्टिंग रोड का क्रैंकशाफ्ट का क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक रिंग पर जाकर के जुड़ती है। ये बेरिंग दो भाग में बटा रहे हैं, ये बेरिंग दो भाग में बटा रहता है और ये क्रैंक रिंग पर जहां पर कनेक्टिंग रोड जुड़ता है उसे क्रैंक रिंग कहते हैं। क्रैंक रिंग पर जाकर के यह जुड़ता है। ये गनमेटल या गनमेटल का बना होता है। गनमेटल का देने का अर्थ होता है गनमेटल हार्ड मेटल होता है जिसे यहाँ पर ये ज्यादा देर टिकाऊ होता है, ज्यादा मतलब जल्दी के लिए खराब नहीं होते हैं। बेरिंग के अंदर में ग्रुप बना रहता है जो उसके स्पॉट पर जाकर के फिटिंग होता है। स्लॉट पर जाकर के ग्रुप इसलिए बना होता है कि स्लॉट पर जाकर के बेरिंग फिट हो जाए और किसी भी प्रकार का वो मतलब कि अपने जगह से हटने का हटे नहीं, इसलिए वो स्लॉट यूज कर दिया जाता है। उसके साथ उसमें होल रहता है, इस होल के होल में वो जाकर के लुब्रिकेशन का कार्य करता है। ये हमारा बिगिन बेरिंग हुआ। जो बेरिंग होता है उसे बिगिन बेरिंग कहते हैं। स्मॉल एंड बेरिंग जो कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल छोटा सा सिरे पर लगता है उसे हम स्मॉल एंड कहते हैं। उस पे जो बेरिंग का कार्य होता है उसे हम स्मॉल एंड बेरिंग कहते हैं। स्मॉल एंड बेरिंग गजर पिन के सहायता से पिस्टन बॉस में स्मॉल एंड को जोड़ने का कार्य करते हैं। यह बूसनुमा होता है। बूसनुमा होता है, बूस कहने का मतलब एक मेटल का खोखला टुकड़ा, वो उसे हम बूस कहते हैं। इसी उसी से लेकर होता है। यह भी गन मेटल या ब्रॉन्ज का बना होता है। नहीं छोड़ इसमें भी होल बने